नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा आरजेडी के लिए। आज का दिन झटके का दिन है। पार्टी के 5 विधान पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है और जेडीयू का दामन थाम लिया है। आरजेडी में और भी कई विधायकों के जेडीयू में ज्वाइन करने की खबर सामने आ रही है। और आज जो तस्वीर सामने आई है, इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर सामने आ रही है, और वो तस्वीर बताती है, तस्वीर उन कयासों को मजबूत करती है कि वाकई आरजेडी में और भी बड़ी टूट मचने वाली है। आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद पांचों विधान पार्षद सीएम नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में जाकर मिले हैं। वो तस्वीर भी आ गई है, वो वीडियो आ गया है। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो ये पूरा वीडियो आपने देख लिया है, कैसे पांचों विधान पार्षद जिन्होंने आज आरजेडी को टाटा बाय बाय किया और जेडीयू का दामन थाम लिया, वक्त बिल्कुल नहीं लगा। एक तरफ इस्तीफा, दूसरी तरफ जेडीयू में इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो आरजेडी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग गया है। और चूंकि खबर ये आ रही है, राजनीति के सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी के कई विधायक हैं जो अब जेडीयू के संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, और वो कभी भी जेडीयू और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो आरजेडी में बड़ी तोड़फोड़। दूसरी तरफ पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे की खबर आई है। तो चुनाव से पहले आरजेडी में सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहुत दिक्कत नज़र आ रही है। आरजेडी के अंदर खाने बड़ी टूट हुई है और बड़ी टूट की संभावना अभी नज़र आ रही है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।